नमस्कार साथियों, आज हम बात करते हैं भाई दिल्ली एयरपोर्ट। जी हाँ साथियों, विदेश बता दूं, इंडिया के लोग विदेश से इंडिया आ रहे हैं, तस्करी करते हैं, आपको पता है गोल्ड की, ज्यादातर गोल्ड का ही होता है, ज्यादातर लोग गोल्ड की तस्करी करते हैं या फिर हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान की कर ले। लेकिन जी हाँ साथियों, इंडिया में विदेशी लोग भी आ रहे हैं और बड़ी तस्करी के साथ। जी हाँ, अभी अफगानिस्तान के दो लोगों को अभी पिछले महीने दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ा। जी हाँ, अब आप समझ सकते हैं यार कि क्या है ये। पहले दुबई एयरपोर्ट पे पकड़ा दो बंदों को, वो भी शायद मुझे लगता है अफगानी थे, काफ़ी मात्रा में उनके पास हेरोइन पाई गई थी। जी हाँ, यहाँ पे हम बात करें तो दो अफगानी लोगों को दिल्ली एयरपोर्ट पे पकड़ा है, उनके पास से बता दूं लगभग 4.5 करोड़ रुपए की हेरोइन पकड़ी गई है। हेरोइन भी कैसी थी, कैप्सूल के अंदर, जी हाँ, पेट में आंतों में छुपा रखी थी। अब सोचने की बात है, पेट में कैप्सूल क्या होता है, मुझे समझ नहीं है कि इतने कैप्सूल, लगभग 90 के करीब कैप्सूल हैं, 90, जी हाँ, ये पेट में खा जाते हैं। फिर अक्सर में इनको दिमाग नहीं होता, ये जो तस्कर होते हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन लोगों को लालच दिया जाता है, इनको पता ही नहीं होता, इनके पेट में डाल देते हैं, तो क्या अक्सर मशीन में वो दिखता नहीं, वो दिखता है, लेकिन पता नहीं क्यों अफगानी लोग, यार अफगानिस्तान के लोग हेरोइन के साथ पकड़े गए हैं दिल्ली एयरपोर्ट पर। जी हाँ, अब बात करें नए नए तरीके, देखिए इनका एयरपोर्ट के जो अधिकारी हैं वो भी सख्ते में आ रहे हैं यार, फेस मास्क चेहरे वाले, ये हो सकता है हेरोइन जो ऐसी चीज़ होती है उसमें मिक्स कर देते हैं, फेस मास्क में मिक्स करके, या फिर टीवी में डाल के, या फिर इमरजेंसी लाइट है, या फिर जो मशीनें वगैरह हैं उसमें ऐसी कुछ पदार्थ डाल के लेके आ रहे हैं। बताओ 15 अप्रैल के बाद में बता दूं दिल्ली एयरपोर्ट पे 5 बड़ी हेरोइन की जो तस्करी की हैं, बड़ी खेप पकड़ी गई हैं, जिनका मूल्य लगभग 16 करोड़ रुपये है। जी हाँ, जनवरी में बात करें 2021 में, वहाँ पर भी अफगानी नागरिक को पकड़ा गया। और अफगानिस्तान वाले इंडिया में क्या चाहते हैं, इनको हो सकता है पाकिस्तानी लोग हैं या फिर ये बड़े तस्कर हैं। आपको पता है पाकिस्तान के अपने बॉर्डर हैं राजस्थान में, खास तौर से वहां से इधर हेरोइन की कोशिश की जाती है, पंजाब में उधर से फेंक दिया जाता है हेरोइन, लगभग रोज ही हेरोइन पकड़ी जाती है। जो पाकिस्तानी लोग हैं वो बॉर्डर पे उधर फेंक देते हैं, अपने जो इंडियन के लोग हैं वो ले लेते हैं। अभी राजस्थान में भी पकड़ा है, लगभग 16 करोड़ रुपए से ऐसे कुछ हेरोइन पकड़ी गई है। जी हाँ, ऐसा क्यों हो रहा है, पेट में कैप्सूल डाले, बताओ 4.5 करोड़ रुपए के, अब उनके कैप्सूल निकाले गए हैं, वो मुझे, आपको पता है NDPS की धारा लगती है, 14 साल की सजा फिक्स है भाई इंडिया में, वो काटनी पड़ेगी इनको, कोई मतलब नहीं रहे। लेकिन फिर भी दिल्ली में हेरोइन की तस्करी को पिछले महीने में भी काफी लोगों को पकड़ा है। एक बंदे को पकड़ा जो मसाले की जूट होती है ना, मसाला बनाने वाली जूट, उनकी जो बोरियां होती है उनमें खास केमिकल लगा के हेरोइन का लेप करके हेरोइन का और लेके आता था। जी हाँ, इन लोगों को पकड़ा है। तो भाई देखिए, आपको भी सावधान रहने की जरूरत है, तस्करी करना किसी भी चीज़ की गलत है, एयरपोर्ट पे आप पकड़े जाओगे नो डाउट। और ऐसे लोगों को आपको लगता है कि ये काम गलत कर रहे हैं तो उनकी सूचना पुलिस को दें जरूर तरीके से, क्योंकि हेरोइन का मतलब है इंडिया के लोगों को हेरोइन की आदत डालना, फिर एक तरह से ये एक जिसको बोल सकते हैं वार युद्ध हो, एक तरह से नशे की आदत डालना लोगों को और उनका जीवन बर्बाद करना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इन चीज़ों से देख सावधान रहिए, सतर्क रहिए, ताकि आप और अपना परिवार बचा रहे, अपना देश बचा रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।